नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं।
गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुणीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुणीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत
मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन
उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला।
मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर, गुणीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुणीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान विमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह विमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने विमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। विमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है।
पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर, गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान विमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह विमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है।
रजनीकांत ने विमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। विमला ने की आत्महत्या, उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा।
लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुणीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड,
युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना
अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे
नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में KR विजया, मास्टर गुणीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुणीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला KR विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन, अभिनीत अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित
एम बी राजन संगीत दिया है, चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड। युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद ऊंचे लोग, फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक
फनी मजूमदार पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बाला चंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार रजनीकांत के रूप में फिरोज खान बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा बिमला ने की आत्महत्या उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारू बड़ी देर से इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद ऊंचे लोग 1965 फिल्म ऊंचे लोग अनुवाद ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है यह
के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन, अभिनीत अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन, संगीत दिया है चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965, कार्यकारी समय 144 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुणीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुणीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारू बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को
आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारू बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और
चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊँचे लोग 1965 फिल्म, ऊँचे लोग अनुवाद, ऊँचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारू बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिल दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965 कार्यकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांकतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार रजनीकांत के रूप में फिरोज खान विमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं।
गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारू बड़ी देर से। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार रजनीकांत के रूप में फिरोज खान बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत
मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन
उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार रजनीकांत के रूप में फिरोज खान विमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला।
मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में, इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है।
पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर एक जाग दिल है दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर तीन आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर चार कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, विमला प्रभु के रूप में के आर विजया, मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजया से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने के डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है।
रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या, उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान, इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म, ऊंचे लोग अनुवाद, ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार, पटकथा की है फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना, अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार, रजनीकांत के रूप में फिरोज खान, बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर, गुनीचंद के रूप में कन्हैया लाल, तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड, युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैया लाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा।
लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको ऊंचे लोग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। ऊंचे लोग 1965 फिल्म। ऊंचे लोग अनुवाद ऊंचे लोग फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित 1965 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। यह के बालाचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत चित्रगुप्त ने दिया था। निर्देशक फनी मजूमदार पटकथा की है। फनी मजूमदार पर आधारित के बालाचंद्र द्वारा मेजर चंद्रकांत द्वारा निर्मित सत्यम नजुंदन अभिनीत अशोक कुमार राजकुमार फिरोज खान छायांकन कमल घोष द्वारा संपादित एम बी राजन संगीत दिया है। चित्रगुप्त प्रोडक्शन कंपनी चित्रकला स्टूडियो। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 1965। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। फिल्म को चेन्नई के बाहिनी स्टूडियो में शूट किया गया था और इसे नवांगतुक फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में भी जाना जाता था, जिन्हें राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ उनके संवेदनशील प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। फेंकना। अशोक कुमार मेजर चंद्रकांत के रूप में इंस्पेक्टर श्रीकांत के रूप में राजकुमार रजनीकांत के रूप में फिरोज खान बिमला प्रभु के रूप में के आर विजया मास्टर गुनीचंद के रूप में कन्हैयालाल तरुण बोस मोहन प्रभु के रूप में भूखंड
युद्ध के दौरान अंधे हो चुके मेजर चंद्रकांत, अशोक कुमार के दो बेटे इंस्पेक्टर श्रीकांत राजकुमार और रजनीकांत फिरोज खान हैं। मेजर चंद्रकांत अपने पड़ोसी मास्टर गुनीचंद कन्हैयालाल से वादा करता है कि वह अपनी बेटी पल्लवी की शादी रजनीकांत से करवाएगा, लेकिन रजनीकांत को मद्रास में कैडेट प्रशिक्षण के दौरान बिमला के आर विजय से प्यार हो जाता है। वह बिमला गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पिता को सच बताने की डर से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। रजनीकांत ने बिमला से बच्चे का गर्भपात कराने और मद्रास लौटने के लिए कहा। बिमला ने की आत्महत्या। उसका भाई मोहन तरुण बोस उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है और रजनीकांत को ट्रेन में मार देता है। पुलिस से भाग जाने पर मोहन मेजर चंद्रकांत के घर में शरण लेता है और कबूल करता है कि वह एक प्रोफेसर है जिसने गुस्से में अपनी बहन को धोखा देने वाले व्यक्ति को मार डाला। मेजर मोहन को अटारी में रहने के लिए कहता है और उसे अपने बड़े बेटे से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार है। वह जब मेजर को रजनीकांत की मौत के बारे में एक तार मिलता है तो उसे पता चलता है कि मोहन उसके बेटे का हत्यारा है। उन्हें शर्म आती है कि उनके बेटे ने ऐसा कुकर्म किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत सच्चाई का पता लगाने पर हत्या करने के लिए रजनीकांत को और हत्यारे को उकसाने के लिए प्रमुख को गिरफ्तार करता है। गीत संगीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत चित्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। गाना नंबर 1 जाग दिले दीवाना। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 तेरे चंचल नैनवा। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 3 आजा रे मेरे प्यार की राह निहारूं बड़ी देर से। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर हैं। गाना नंबर 4 कैसी तूने रीत रची भगवान। इस गाने के गायकार आशा भोसले और मन्ना डे हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।